सो गाइज अभी बज रहे हैं 10:20। आप देख सकते हो वॉच में अगर दिख जाए तो। तो अभी मैंने सिर्फ अपना हेयर वॉश किया है, मैं नहाई नहीं हूँ, मैंने हेयर वॉश कर लिया है क्योंकि मैं सोच रही हूँ यार हेयर स्पा कर ही लेती हूँ, क्योंकि जब से रिबॉन्डिंग कराई है मैंने हेयर स्पा वन टाइम भी नहीं किया है और ना हेयर थोड़े से मुझे ऐसे रूखे रूखे टाइप लग रहे थे, तो मैंने सोचा चलो हेयर स्पा कर लेती हूँ। हेयर स्पा करने के बाद मैं नहाऊंगी, क्योंकि फिर ना नहाने के बाद सर वॉश करना थोड़ा औखा हो जाता है, औखा मीन्स लाइक मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने सोचा है पहले हेयर स्पा करूंगी और उसके बाद हेयर स्पा के बाद ही मैं नहा लूंगी। और उससे पहले मैं कर लेती हूँ अपने रूम की सफाई। रूम की सफाई करने से पहले मैं बना लेती हूँ अपनी ड्रिंक, और आप लोगों को पता है मैं कौन सी ड्रिंक पीती हूँ चाय पीने के बाद। अभी चाय पी हुए मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, 1 आवर से ज्यादा मेरे को हो गया है चाय पिए हुए, तो इसलिए अब मैं ड्रिंक बना लेती हूँ अपनी। और ड्रिंक आप लोग देखते हो कि कैसे बनती है मेरी ड्रिंक। आप और भी नहीं कहो, अब लास्ट टैबलेट है इसके अंदर और वो भी हाफ हो गई और हाफ ले गई, लास्ट बची है, मतलब मुझे 15 डेज हो गए हैं ये टैबलेट लिए, आज 14 डेज है और कल मुझे 15 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। ये टैबलेट एक्चुअली मैंने पहले भी खाई थी, 2-3 मंथ आई गेस मैंने ये खाई थी ये टैबलेट, बट अभी मैं फिर से ले रही हूँ। अभी मैं कर लेती हूँ रूम की सफाई, जो पूरा रूम ऐसे देखो बिखरा पड़ा है पूरा का पूरा। हम लोग ना जब रात को ना मतलब ये नाइट वेयर पहनते हैं ना, तो क्या करते हैं जो डे में पहना हुआ होता है ना उसे उठा के सोफे में पटक देते, सब ऐसे ही करते हैं। ये पता नहीं क्या गंदी वाली हैबिट है यार, सुधरती ही नहीं है कितना भी ट्राई करो। तो अभी मैं ये सब जल्दी जल्दी से चेक कर लेती हूँ, कैमरा लगा देती हूँ स्टैंड पे। ओके, तो बाहर का रूम हो गया सेट और इतनी देर में मेरी ड्रिंक भी हो गई है रेडी, तो मैं इसको पी लेती हूँ जल्दी से। मेरी ड्रिंक खत्म हो गई है, आप ड्रिंक खत्म होने के कुछ टाइम बाद लाइक 30 मिनट बाद मैं कुछ फ्रूट्स खाऊंगी। तो अभी मेरा रूम भी सेट हो गया है, आप देखो और अंडर वाले रूम में सो रही है लवी, जब वो उठेगी तब बेडशीट ठीक कर दूंगी। आज मैं सोच रही हूँ कि मैंने ना एक नया सूट मंगवाया था मीशो से जस्ट 150 रुपीज में, ये मुझे रिसीव हुआ 150 में मैंने ये मंगवाया था, तो मैं ये पहनूँ आज। नीचे ये पूरा जॉर्जेट है ट्रांसपेरेंट, ऊपर इसमें थोड़ा सा अस्तर लगा है चोली में, तो मेरे को ये है कि आज मैं ये पहनूँ। और ये मेरी स्कर्ट है, ये भी मैंने मीशो से मंगवाई थी, इसको मंगाए काफ़ी टाइम हो गया, ये स्कर्ट है। तो मैं सोच रही हूँ ये स्कर्ट और इसका कलर ना सेम ही है, तो मैं ये दोनों पहले कैरी करके देखूँगी, अगर ये दोनों अच्छा लगा इनका कॉम्बिनेशन तो मैं आज यही पहनूंगी, नहीं तो फिर मैं इसके नीचे कोई जीन्स वेयर करूँगी। ओके, तो मैं इसको प्रेस कर लूँगी और उसके बाद मैं सोच रही हूँ मैं हेयर थोड़े से ड्राई हो जाए तो पहले हम चलते पार्लर, इसको पहले प्रेस कर लेती हूँ हेयर खोल के, थोड़ी सी ड्राई हो जाएंगे फिर हम चलते पार्लर। पार्लर में जाके हम थोड़ा सा अपना हेयर स्पा लगाएंगे, थोड़ा स्टीम लेंगे,
और उसके बाद हम वापस आके नहाएंगे कुछ टाइम बाद, तो 1 आवर तो लगना ही लगना है, तब तक लवी सो रही है, तो ये अच्छा मौका है हम जाके अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। अभी इसको प्रेस करने के बाद जाती हूँ पार्लर में, ड्रायर करती हूँ हेयर को, हेयर ड्रायर करने के बाद हेयर स्पा का क्रीम लगा दी और आपको दिखाऊंगी। तो मेरे फ्रूट्स ख़त्म हो गए हैं, ये 2 फ्रूट्स मैंने इस पर छोड़ दिए क्योंकि मुझे इनका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको फेंक दूंगी डस्टबिन में। एंड मेरे फ्रूट्स ख़त्म हो गए हैं बहुत ही जल्दी, और अब मैं सोच रही हूँ कि लवी को उठा देती हूँ पार्लर चलती हूँ, क्योंकि वो रूम में अकेली है और मैं उसको अकेले छोड़ के जाऊँगी, वो उठेगी तो फिर वो रोएगी। तो गाइस अभी मेरे को एप्पल विनीगर पिए हुए पूरे 30 मिनट हो चुके हैं, अब मैं थोड़े से फ्रूट्स खाऊंगी। ये मैंने ऑरेंज कट किए हैं, 2 ऑरेंज है एंड 2 स्लाइसेस पाइनएप्पल की है, तो ये फ्रूट्स मैं खाऊंगी और उसके बाद आपको पता है कि मैं नाश्ता नहीं करती हूँ, मैं सीधा लंच करती हूँ, और लंच में मैं एक रोटी थोड़ी सी राइस दाल सब्जी कुछ खाऊंगी, और वो लंच होगा मेरा 1 से 2 बजे के बीच में, उससे पहले मैं सिर्फ ये फ्रूट्स खा के ज़िंदा रहूँगी। तो मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ, आप लोगों को खाना है तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए। पाइनएप्पल इतना टेस्टी लगता है ना मुझे, वाओ। सो गाइस हम आ गए हैं नीचे एंड मैंने अपने बालों में कॉम कर लिया है, ये ड्राई और हो चुके हैं बहुत ही लाइट से, ये हल्के से गीले हैं, तो अभी मैं इनको पहले सेक्शंस में डिवाइड कर लेती हूँ और लगा लेती हूँ अपना हेयर स्पा। सो गई है लवी अंदर से बाउल लेने के लिए और मैं फिर लगाऊंगी। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे हेयर कितने ज्यादा ना ऐसे रफली एंड डैमेज लग रहे हैं। कर लेते हैं हेयर स्पा इन द कावा, यो ओ। आज हेयर स्पा कर लेते हैं, कल वैक्स कर लेंगे, फिर 28 के आसपास हम थोड़ा सा आईब्रो बना लेंगे अपनी।
अभी नहीं, कल एक्सपीरियंस। सो गाइस हेयर स्पा लग गया है, अब ले लेते हैं स्टीम। सो गाइस अभी मैं ले रही हूँ अपने हेयर में स्टीम, मेरे हेयर को स्टीम मिल रही है। आप देख सकते हो ये पूरा धुआं आ रहा है। स्टीम लेने के बाद मैं इसे थोड़ी देर छोड़ूंगी, उसके बाद मैं इसको वॉश कर लूंगी, फिर आपसे मिलते हैं। गाइस बज गए हैं 2 और मैंने लंच बना लिया है। लवी ने तो खाना स्टार्ट कर दिया है एंड मैं अभी खाऊंगी। मैंने आज अपने लिए एक आलू का पराठा बनाया है और खा के फिर कुछ देर बाद तैयार व्यार रेडी शेडी होके मिलते हैं आपसे। ओके ओके लवी। सो गाइस कैसी लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, हमारी वीडियो को एक लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बेल आइकन दबा दीजिएगा।